हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू वर्ल्ड। दोस्तों, अभी आपके सामने दो इम्पोर्टेंट एग्जाम होने वाला है। एक तो आप अगर ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो ग्रुप डी का एग्जाम है, जिसमें से कि 100 में से 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन जो है केवल साइंस से आने वाला है। 100 में से 25 क्वेश्चन केवल साइंस से आएगा ग्रुप डी परीक्षा में। और एक है 67वीं जो बीपीएससी होने वाला है, 67वीं बीपीएससी का जो फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है, इसका भी एग्जाम 12 दिसंबर को संभावित है। तो इसमें भी 150 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन केवल साइंस से आते हैं। और वो भी अभी आप अगर 2018 का बीपीएससी का देखते हैं तो उसमें 20 में से 16 केवल केमिस्ट्री से आए हैं। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए हम लूसेंट सामान्य विज्ञान का सीरीज आप लोगों के लिए चला रहे हैं, जिसमें कि मैंने फिजिक्स का ऑलरेडी सारा वीडियो अपलोड कर चुका है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अभी हम केमिस्ट्री चला रहे हैं, इसके बाद जस्ट इसे केमिस्ट्री का एंड होते ही बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आप लोगों के लिए ये केमिस्ट्री का सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको इसको समझने में, केमिस्ट्री को समझने में थोड़ा सा भी अगर इससे हेल्प मिलता है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये 100 में से 25 क्वेश्चन आपके रिजल्ट होने के लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी ये मायने रखता है। और यहाँ पर 150 में से 20 क्वेश्चन जो साइंस है, ये भी बीपीएससी में आपको प्री क्वालिफाई कराने के लिए ये काफी मददगार साबित होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग लूसेंट सामान्य विज्ञान केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 देखने वाले हैं, जिसमें रासायनिक गति की जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, और रासायनिक साम्य यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम, दोनों को आज हम लोग अच्छे तरीके से समझ करके धीरे धीरे आसानी से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, रासायनिक गति की यानी कि गति यानी कि वेग। तो रासायनिक गतिकी में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग के बारे में पढ़ते हैं, और रासायनिक साम्य मतलब होता है इक्विलिब्रियम यानी कि स्थिर, यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, उसको हम रासायनिक साम्य में पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए, रासायनिक गतिकी क्या है उसको हम लोग परिभाषा इसका देख लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक प्रतिक्रियाओं के वेग और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन, क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसे कैसे संपन्न हो रहा है, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं क्रियाविधि। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग और उसकी क्रियाविधि का जिस शाखा में इसका अध्ययन करते हैं उसी को बोलते हैं रासायनिक गतिकी, ठीक है? काफी शानदार था, आप लोगों को एक बार में समझ में आ गया होगा कि रासायनिक गतिकी क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी भी अभिक्रिया का वेग और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, ठीक है? अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में एक होता है प्रतिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्म होता है, एक तो होता है अभिकारक बोलते हैं या प्रतिकारक बोलते हैं, ठीक है? अभिकारक जो है, सो रिएक्शन, एक अभिकारक में आपको एक दो तीन कितना भी हो सकता है, तो अभिकारक रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल, यानी कि यह है रिएक्टेंट और यह है प्रोडक्ट, ठीक है? रिएक्टेंट अभिक्रिया करता है एक दूसरे के साथ और वह प्रोडक्ट का निर्माण करता है, जिसको कि प्रतिफल बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का दो भाग होता है, एक भाग होता है रिएक्टेंट, एक भाग होता है प्रोडक्ट, ठीक है? रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्शन करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है, ठीक है? अब देखिए, वेग के आधार पर, अभी मैंने बताया कि इसमें हम लोग वेग के बारे में पढ़ेंगे, तो वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। एक तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसकी वेग बहुत ज्यादा हो, बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है अभिक्रिया, तो उसको बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया यानी कि फास्ट रिएक्शंस। और एक वैसी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत धीरे धीरे स्लो हो रहा है, तो वैसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? मंद अभिक्रिया, मंद प्रतिक्रिया यानी कि स्लो रिएक्शंस, ठीक है? दोनों के बारे में एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, फास्ट अभिक्रिया में क्या है कि बहुत ही जल्दी संपन्न यानी तत्क्षण समाप्त हो जाती है, और इसका वेग भी
इतना अधिक होता है, इतना जल्दी समाप्त हो जाता है, उसके वेग का निर्धारण करना भी संभव नहीं होता है। उदाहरण एक देख लेते हैं, उदाहरण आपको मेन रूप से याद रखना है, उदाहरण बहुत क्वेश्चन आता है उदाहरण से। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया अगर सोडियम क्लोराइड से कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, क्या बनेगा, प्रतिफल क्या होगा उसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल में है कि आयनिक प्रतिक्रियाएं तत्क्षण समाप्त हो जाती है, जो आयनिक प्रतिक्रिया वो बहुत जल्दी समाप्त होती है। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के घोल में सोडियम क्लोराइड NaCl डालने पर प्रतिक्रिया इतनी तीव्र गति से होती है कि इसका वेग ज्ञात करना संभव नहीं होता है। जैसे देखिए AgNO3 को NaCl से रिएक्शन कराएंगे, AgNO3 को किसी रिएक्शन कराना है, NaCl से, सोडियम क्लोराइड से, तो निर्माण किसका होगा, निर्माण होगा AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट का भी निर्माण होगा। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं, मंद प्रतिक्रिया। तीव्र के बारे में हमने पढ़ा, अब हम लोग देखेंगे मंद प्रतिक्रिया क्या होता है। तो इसकी इसका वेग बहुत ही कम होता है, बहुत ही धीरे धीरे यह रिएक्शन संपन्न होता है, तो इसको बोलते हैं मंद प्रतिक्रिया, ठीक है। अब इतना धीरे धीरे होता है कि इसकी क्रियाविधि को भी आसानी से समझा जा सकता है, इसकी क्रियाविधि का अध्ययन भी आसानी से किया जा सकता है, यानी कि अभिक्रिया कैसे कैसे संपन्न हो रहा है इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म जो है उसको भी आसानी से समझ सकते हैं, इतनी धीरे धीरे अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, इस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराने पर किसका निर्माण होता है, इसमें जो निर्माण होगा दोस्तों वो होता है इथाइल एसीटेट का। ये जो है इसका नाम क्या है, इथाइल इथाइल एसीटेट। किसका निर्माण हो रहा है, इथाइल एसीटेट का निर्माण हो रहा है। यहां पर H2SO4 यानी कि सोडियम ये अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, H2SO4 अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाना है। तो अगर हम लोग इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ये है, इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम लोग एसिटिक अम्ल से कराते हैं तो बनता क्या है, इथाइल एसीटेट बनता है और जल बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया वेग के आधार पर दो प्रकार का अभिक्रिया हुआ। अब हम लोग जो अभिकारक है, जो प्रतिकारक है, उसकी अवस्था के आधार पर कितने प्रकार का अभिक्रिया होता है वो देखेंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है, यानी कि प्रतिकारक है वो रिएक्शन करके प्रतिफल का निर्माण करता है। तो ये जो प्रतिकारक है इसी को अभिकारक भी बोलते हैं। ये जो अभिकारक है उसकी अवस्था के आधार पर, यानी कि अवस्था कितना ठोस द्रव गैस होता है, तो अभिकारक जो है उसकी अवस्था क्या है, ठोस है या गैस है क्या है, तो उसके आधार पर प्रतिक्रिया जो है अभिक्रिया वो दो प्रकार का होता है। एक तो समांगी होता है, एक विसमांगी होता है, यानी कि होमोजीनियस और एक हेटरोजीनियस रिएक्शंस, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि एक प्रतिक्रिया एक अभिकारक R1 है और वो रिएक्शन कर रहा है अभिकारक R2 से और यहां पर प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, तो दोनों यहां पर R1 R2 दो प्रोडक्ट सॉरी दो रिएक्टेंट है, दो अभिकारक है, तो दोनों प्रतिकारक जो है, दोनों प्रतिकारक अगर एक ही अवस्था में हो, अगर ये गैस है तो ये भी गैस हो, ये द्रव है तो ये भी द्रव हो और ये ठोस है तो ये भी ठोस हो, तो ऐसे प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, समांगी प्रतिक्रियाएं, ठीक है, यानी कि होमोजीनियस प्रतिक्रिया कहते हैं। लेकिन लेकिन अगर जैसे R1 है और R2 है रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो अगर एक एक का अवस्था गैस अवस्था में हो और एक यहां पर लिक्विड फॉर्म में हो, यानी कि दोनों को अवस्था अलग अलग हो, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हेटरोजीनियस यानी कि विसमांगी रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए हम लोग रासायनिक गतिकी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक गतिकी में विसमांगिक यानी हेटरोजीनियस रिएक्शन को ही पढ़ा जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग होमोजीनियस रिएक्शन नहीं कि समांगी प्रतिक्रिया को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आगे हम लोग विसमांगी प्रतिक्रिया को ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग अभिक्रिया का वेग देखते हैं, वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। किसी प्रतिक्रिया में इकाई समय में हुए प्रतिकारकों या प्रतिफलों के संदर्भ के परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं,
चूंकि प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिकारकों का संतुलन घटता है और प्रतिफलों का संतुलन बढ़ता है, अतः किसी प्रतिक्रिया में प्रतिकारकों के संतुलन घटने की दर या प्रतिफलों के संतुलन बढ़ने की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे इसमें आपको क्या समझ में आया, जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट जो है वो क्या प्रोडक्ट का निर्माण करता है जब रिएक्शन होता है, तो यानी कि प्रतिकारक जो है प्रतिफल का निर्माण करता है, ठीक है। तो रिएक्शन जब होता है तो इसी प्रतिकारक से ना ये प्रतिफल बन रहा है, यानी अगर रिएक्शन होना चालू हो गया तो इसका जो मान है वो कम होता जाएगा और इसका मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मान कम होता जाएगा रिएक्शन का और इसका मान बढ़ता जाएगा, यानी प्रतिकारक का मान घटता जाएगा और प्रतिफल का मान बढ़ता जाएगा। तो प्रति सेकंड में यानी कि इकाई समय में प्रतिकारक का मान जितना घट रहा है वही अभिक्रिया का वेग होगा, या इकाई समय में प्रतिफल का मान जितना बढ़ रहा है वही अभिक्रिया का वेग होगा। वही आपको यहां पर कह रहा है कि किसी प्रतिक्रिया में इकाई समय में प्रतिकारकों या प्रतिफलों के संतुलन के परिवर्तन, संतुलन मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि इसका परिमाण, ठीक है, परिमाण बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं या द्रव्यमान कुछ भी बोल सकते हैं, संतुलन वही होता है कि परिवर्तन क्या मतलब घटना या बढ़ना, उसी को परिवर्तन बोलते हैं ना। परिवर्तन में क्या होता है, घटता या बढ़ता है। चूंकि प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिकारकों का संतुलन घटता है, यानी कि रिएक्टेंट है उसका संतुलन घटता है और प्रतिफल का संतुलन बढ़ता है, अतः किसी प्रतिक्रिया में प्रतिकारकों के संतुलन घटने की दर और प्रतिफल के संतुलन बढ़ने की दर को ही क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया का वेग कहते हैं। काफी शानदार, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब है कि प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कोई प्रतिक्रिया अगर फास्ट हो रहा है, कोई अभिक्रिया अगर फास्ट हो रहा है या कोई अभिक्रिया अगर स्लो हो रहा है, तो उसके क्या क्या कारक हैं जो फास्ट अभिक्रिया को स्लो कर दे या स्लो अभिक्रिया को फास्ट कर दे, क्या क्या जो फैक्टर है उस पर इफेक्ट डालेगा, ठीक है, कोई फास्ट अभिक्रिया को स्लो करने के लिए, स्लो अभिक्रिया को फास्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए प्रतिकारकों का सांद्रण, जैसे अभी आप रिएक्टेंट देखे, रिएक्टेंट क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर रिएक्टेंट की मात्रा जितनी अधिक होगी अभिक्रिया उतना ही फास्ट होकर के प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, यानी कि प्रतिकारकों का जो सांद्रण है वो भी इफेक्ट पड़ता है अभिक्रिया के वेग पर, यानी कि जितना अधिक रिएक्टेंट की मात्रा होगी उतनी जल्दी अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, ठीक है, और जितनी कम मात्रा होगी रिएक्टेंट उतनी धीरे धीरे अभिक्रिया संपन्न होगी, ठीक है। पहला चीज आपको समझ में आएगा। दूसरा देखिए ताप, सामान्यतः प्रतिकारकों का ताप जितना ही अधिक होता है उनके बीच अभिक्रिया उतनी ही तेज गति से संपन्न होती है, यानी कहने का मतलब हो गया डायरेक्ट कि ताप जो है जितना अधिक रहेगा उसकी अभिक्रिया की वेग उतनी ही अधिक होगी। तीसरे नंबर पर देखिए प्रतिकारकों की भौतिक अवस्था, यानी कि प्रतिकारक यानी रिएक्टेंट जो है वो ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है, किस में है, वो भी इफेक्ट डालता है उसके वेग पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या इफेक्ट डालता है, प्रतिकारकों की भौतिक अवस्था का विशेष प्रभाव विसमांगी प्रतिक्रियाओं पर पड़ता है, ठीक है, समांगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो विसमांगी हेटरोजीनियस है उस पर इफेक्ट पड़ता है उसका। इनमें प्रतिक्रिया प्रतिकारकों की सतह पर होती है, बाह्य सतह पर क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहता है अभिक्रिया उतना ही अधिक वेग अधिक होता है, ठीक है। ठोस प्रतिकारक को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देने पर उसकी सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे प्रतिक्रिया का वेग भी अधिक हो जाता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि भौतिक अवस्था अगर ठोस है और ये प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है तो इसका जो बाह्य क्षेत्रफल होगा, सतह का क्षेत्रफल होगा, वो जितना अधिक होगा प्रतिक्रिया उतनी ही जल्दी जल्दी संपन्न होगी। तो अगर हम इसको टुकड़ा टुकड़ा तोड़ देंगे तो सतह की संख्या ज्यादा हो जाएगी, यानी सतह की संख्या बढ़ जाएगी, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो अभिक्रिया भी तेज गति से संपन्न होगा, ठीक है।
आगे देखिए, प्रतिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, तो इसकी प्रकृति क्या है? प्रतिक्रिया के वेग पर प्रतिकारकों की प्रकृति का भी काफी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए सोडियम धातु साधारण ताप पर ही जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ठीक है, आप लोग इसके एग्जाम्पल को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक क्या होता है? एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक या कम हो जाता है। जैसे देखिए कोई अभिक्रिया है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ऊपर में लिख करके। जैसे देखिए ये अभिक्रिया है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, तो ये अभिक्रिया मान लीजिए स्लो है अभी, ये अभिक्रिया मान लीजिए स्लो है अभी, तो अगर इसमें हम लोग कोई ऐसा पदार्थ डाल दें, कोई ऐसा पदार्थ डाल दें जो इस रिएक्शन में तो भाग नहीं ले रहा है, लेकिन इस अभिक्रिया के गति को जो स्लो था उसको फास्ट कर दे रहा है, तो उसी पदार्थ को, उसी बाहर से डाले गए पदार्थ को हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को घटा देता है या बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे कोई अभिक्रिया मान लीजिए फास्ट था, और इसमें अगर कोई बाहर से पदार्थ डाले और वह पदार्थ रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है और अभिक्रिया के वेग को स्लो कर दे रहा है, तो भी उसको हम लोग बोलेंगे उत्प्रेरक। तो एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक या कम हो जाता है, ये तो आपको मैंने भी बताया। उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी और क्रियाविधि बदल जाती है। देखिए यहां पर आपको एक नया टर्म आ रहा है, संकीर्ण ऊर्जा। ठीक है, क्या आ रहा है टर्म? संकीर्ण ऊर्जा, इसके बारे में समझते हैं। तो संकीर्ण ऊर्जा क्या होता है? एक्टिवेशन, देखिए इसको इसको जैसे इंग्लिश में देखेंगे ना आपको नाम से ही समझ में आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेट करना, यानी कि कोई भी, जैसे कोई भी रिएक्शन है तो उसको स्टार्ट होने के लिए, रिएक्शन को चालू होने के लिए, अभिक्रिया को चालू होने के लिए कुछ ऊर्जा की जरूरत होती है, कुछ ऊर्जा की जरूरत होती है जिससे कि अभिक्रिया स्टार्ट हो सके, तो उसी ऊर्जा को संकीर्ण ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकीर्ण ऊर्जा, यानी कि उसको, रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी, अगर ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता किसी अभिक्रिया को हो जाए तो उस अभिक्रिया को कराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उतना एक्टिवेशन एनर्जी लाएंगे कहाँ से। तो क्या करता है जो उत्प्रेरक है, वो क्या करता है कि उसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है रिएक्शन के, यानी कि कम ऊर्जा देंगे तो ही वह रिएक्शन चालू हो जाएगा। देखिए धन उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है। धन उत्प्रेरक क्या होता है कि जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, यानी कि वह संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देता है। अब संकीर्ण ऊर्जा क्या है? मैंने आपको बताया अभी कि अभिक्रिया को चालू करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता, तो संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। अगर इसी ऊर्जा को कम कर दिया जाए तो जल्दी रिएक्शन चालू हो जाएगा, जल्दी चालू हो जाएगा। तो धन उत्प्रेरक यानी कि जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है उत्प्रेरक, वो संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको। और ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया गति को घटाता है, वो संकीर्ण ऊर्जा को ही क्या करता है? बढ़ा देता है, जिससे रिएक्शन जल्दी होता ही नहीं है, जिससे प्रतिक्रिया का वेग क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए विकिरण का प्रभाव। अब हम लोग देखेंगे छठे नंबर पर कि अभिक्रिया के वेग पर विकिरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो विकिरण का प्रभाव भी अभिक्रिया के वेग पर पड़ता है। जैसे अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया अगर अंधेरे में कराई जाए तो बहुत ही धीरे धीरे संपन्न होता है, लेकिन जैसे ही इसको सूर्य के प्रकाश में ले जाते हैं तो तुरंत खत्म हो जाता है अभिक्रिया, और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर देता है। जैसे देखिए यह है अंधेरा, तो ये अंधेरा है, तो जैसे ही, तो अंधेरा में अगर हाइड्रोजन के अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो देखिए यहाँ पर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हुआ, जो कि बहुत ही मंद अभिक्रिया है, बहुत ही धीरे धीरे संपन्न हो रहा है, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया को सूर्य के प्रकाश में करवाएंगे तो तुरंत संपन्न हो जाएगा, तीव्र गति संपन्न हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि सूर्य प्रकाश का विकिरण होता है इसमें, यानी विकिरण का भी प्रभाव अभिक्रिया पर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अभिक्रिया का एक और प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने अभिक्रिया को कितना प्रकार पढ़ा? चार प्रकार पढ़ा। एक तो पढ़ा वेग के आधार पर, वेग के आधार पर कौन कौन सा था? तीव्र था और मंद था। ठीक है, वेग के दो था, एक था तीव्र और एक था
मंद, और एक था अवस्था के अभिकारक के अवस्था के आधार पर था, एक था समांग और एक था विसमांग। अब हम लोग पढ़ेंगे एक और उत्कर्मणीय अभिक्रिया, उत्कर्मणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है, अर्थात जिनमें प्रतिकारक प्रतिफल में परिवर्तित होते हैं और फिर प्रतिफल पुनः प्रतिकारक में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे देखिए, मैंने क्या बताया कि रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट क्या बनाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है। जो प्रोडक्ट बना फिर तुरंत से उल्टा अभिक्रिया करके फिर से रिएक्टेंट बना ले, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सिबल यानी कि क्या बोलते हैं उसको, उत्कर्मणीय प्रतिक्रिया। जैसे कुछ एग्जांपल आप लोग यहां पर देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन का, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे लोहा को जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो जंग, इसको क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, ठीक है, जंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये Fe3O4 होता है, इसको मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइट का निर्माण होगा और जल हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए अब देखिए, इसमें मैंने आपको मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, देखिए इसमें देखिए, बाई से दाई इस दिशा में, जैसे ये बाई है और ये दाई है, इधर ये बाई है, इधर ये दाई, इधर, तो बाई से दाई और जो रिएक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्रिम प्रतिक्रिया। और उल्टा दिशा में जो हो रहा है, दाएं से बाएं हो रहा है, उसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि उल्टी प्रतिक्रिया, ठीक है, बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। अनुत्कर्मणीय प्रतिक्रिया, जो उत्कर्मणीय हम लोग प्रतिक्रिया पर रहते हैं उसका उल्टा हो गया। उत्कर्मणीय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो आगे तरफ हो रहा है प्रोडक्ट पीछे तरफ भी हो रहा है, इसको बोलते थे उत्कर्मणीय। लेकिन जिसमें पीछे तरफ नहीं हो रहा है, केवल केवल आगे तरफ हो रहा है, इसको बोलते हैं अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया, अरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इसका भी कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है एग्जाम्पल को। अब हम लोग देखेंगे लास्ट में, आज का टॉपिक रहेगा रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया की वह अवस्था जिसमें उसकी अग्रिम प्रतिक्रिया का वेग और उल्टी प्रतिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है, उसको बोलते हैं रासायनिक साम्यावस्था, ठीक है। देखिए यहां पर, जैसे अगर अगर जिस वेग से जिस वेग से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बना रहा है, उसी वेग से अगर अमोनिया टूट करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन में बदल रहा है, दोनों का वेग बराबर हो जाए, जो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है बैकवर्ड रिएक्शन है, दोनों का वेग अगर बराबर हो जाए, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, रासायनिक साम्यावस्था की स्थिति, केमिकल इक्विलिब्रियम की स्थिति बोलते हैं। क्योंकि यह साम्यावस्था गतिक यानी डायनामिक होती है, गतिक यानी डायनामिक कहने का क्या मतलब हुआ कि हमेशा चलते रहता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना दिया, यानी कि हमेशा रुकता कभी नहीं है, चलते रहता है, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक रिएक्शन, यानी कि साम्यावस्था गतिक, ठीक है, गतिक साम्यावस्था भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो बस यहीं पे खत्म करते हैं, कल आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊंगा जो विद्युत रसायन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं विद्युत रसायन से, तो उसको भी आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कल का वीडियो जरूर देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।